व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। और आज के मेरे पास वनीला एसेंस है, तो इसको हम होममेड घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। इसका 1 टेबल स्पून ही बहुत ही होता है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर हम आइसक्रीम में डालें, मिल्क शेक में, पेस्ट्रीज वगैरह में अगर हम डालें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, ठीक है जी। इसके अलावा मैं यहाँ पर लूँगी 4 टेबल स्पून हॉट वाटर, पानी डालूँगी मैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 2 to 3 पिच में यहाँ पे बेकिंग सोडा लूँगी। अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टेबल स्पून शुगर, और इसे मैं अच्छे से करूँगी मिक्स, इसे करती रहूँगी मिक्स अच्छे से। हमें उस वक्त तक इसे मिक्स करना है जब तक कि हमारी शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए, तो मैं इसे मिक्स करती रहूँगी। तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है मेरा वनीला एसेंस, बट मैं फिर भी इसे स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लूँगी ताकि मेरी कोई भी ज़र्रात वगैरह बाकी ना रहे। तो ये मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं इसे बोतल के अंदर डाल देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा वनीला एसेंस बिल्कुल रेडी है और इसे मैंने इस बोतल के अंदर डाल दिया है। अगर आपको ये अच्छी लगी है मेरी वीडियो, तो इसमें आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।